उसको जिंदगी भर वैसे का वैसा रखना वो बहुत जरूरी है, ताकि आगे कोई इसमें नहीं कर पाए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। दीपक यादव का कहना है कि ये इलाका और खूबसूरत हो, कोशिश यही होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस काम को साधारण ना समझें और इसके इतिहास से जुड़ी चीजें इकट्ठा करने में मदद करें। भाजपा के दीपक की रोशनी इलाके में फैलने लगी है। दीपक पर्यटक ही नहीं बल्कि खेल और शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर करने में जुट गए हैं। यहाँ प्रीमियर क्रिकेट लीग मैच का उद्घाटन उन्होंने फीता काट कर किया। उन्होंने शांति, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक गुब्बारे को छोड़ने के बाद बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। उस टीम का नाम क्या? पहला मैच बघा विकास मंच और उज्जैन इंजीकॉम लिमिटेड के बीच हुआ। उन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। क्रिकेट समेत सभी खेलों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक कमेटी बनाकर काम करने का सुझाव दिया। और अपने जितने भी आपके स्कूल में तरह तरह के विद्वान लोग आते हैं, ये पढ़ाई और शिक्षा और जो ये खेलकूद की बातें और जो ये स्पर्धा है जिसमें आपको अवार्ड भी आज मिला है तरह तरह का, ये आपको दुनिया की किसी भी ऊंचाई पे ले जा सकता है। ये विद्यालय एक ऐसी चीज है, इसको आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि ये उम्र, ये समय और ये सीखने का जो आपकी जिंदगी में जो पहलू है, ये फिर कभी नहीं आएगा। इसको जितनी अच्छी तरीके से आप देश भावना और इन सब चीजों को अपने दिल में उतार के आज जो समय को आप जितना अच्छा इस्तेमाल कर लेंगे, वो आपके बाकी पूरी जिंदगी की पूंजी आज ही आप इकट्ठी कर सकते हैं। कि हमारी बात कुछ दिन पहले हुई थी हम लोगों से, मैं तो विदेश में पढ़ा हूँ, मैंने हर दुनिया के विश्वविद्यालय जो एक से एक हैं, हार्वर्ड से हम पढ़े तो, मगर आज जो असली काम मैं देख रहा हूँ, मेरा दिल सही में बहुत खुश है इस चीज को देख के। दीपक शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों के बीच पहुंचकर कमियों को तलाश कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य बेहतर हो, इसके लिए न सिर्फ गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं बल्कि शिक्षण संस्थानों को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र भाजपा के दीपक से अब धीरे धीरे रोशनी बिखेरने लगा है। एबी न्यूज के लिए वाल्मीकि नगर से संतोष राज पांडे की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात एक अच्छी खबर की। भारतीय जनता पार्टी ने वाल्मीकि नगर को संवारने का बीड़ा उठाया है। वाल्मीकि नगर की खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को लुभाता है। यहाँ बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। बीजेपी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता दीपक यादव को इलाके का विकास और पर्यटन के लायक बनाने का जिम्मा सौंपा है। दीपक यादव तिरुपति चीनी मिल के प्रबंध निदेशक भी हैं। उन्होंने इस काम को चुनौती के रूप में लिया है। देखिए हमारे संवाददाता, हमारे संपादक संतोष राज पांडे की ये विशेष रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। चंपा का अरण्य यानी चंपा के फूलों का वन,
चंपारण। प्रकृति ने इस इलाके को बड़ी खूबसूरती और फुर्सत से संवारा है। घने वन, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरे भरे घास बरबसी मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। हिमालय के शिवालिक श्रेणी के इन पहाड़ियों और गंडक तट के बाएं तट के विस्तृत वनों में ही बाघों का निवास स्थान भी है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। टाइगर के अलावा अन्य जीव जंतुओं का भी यहाँ बसेरा है। प्राचीन इतिहास को अपने आंचल में समेटे वाल्मीकि नगर त्रेता युग से कई ऐतिहासिक घटनाओं को समेटे हुए है, पर विकास के मामले में ये इलाका पिछड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बीजेपी की नजर इस इलाके पर पड़ी है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता दीपक यादव को इस इलाके की जिम्मेदारी दी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सपनों को साकार कर सके। दीपक यादव तिरुपति चीनी मिल के प्रबंध निदेशक भी हैं। वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के साथ दीपक यादव ने बघा समेत आसपास के इलाके के प्राचीन मंदिरों का न सिर्फ दौरा किया, बल्कि मंदिरों के जीर्णोद्धार करने के संकल्प के साथ ऐतिहासिक धरोहर को उनके स्वरूप में लाने और पर्यटकों को यहां तक खींच लाने की योजना भी तैयार की है। दीपक यादव की सोच है कि अगर यह इलाका पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होता है तो इस इलाके के युवा वर्ग को रोजगार मिलेगा और इस इलाके में खुशियां लौटेंगी। फिर गवर्नमेंट से कैसे ये साइट कौन पैसा खर्च करेगा, या तो गवर्नमेंट का कौन सा अंग करेगा, अगर प्राइवेट लोगों से फंड लेके करना है तो वो कैसे होगा, वो सारी चीज उसको, क्योंकि ये उसके बाद हमेशा ऐसे का ऐसा रहना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ठीक करना अलग चीज है जी। उसको जिंदगी